इस चैप्टर की शुरुआत में हम रात के समय ताइवान को देखते हैं, जहां पर कुछ भिखारी ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप की ओर जा रहे थे, जबकि वहीं कुछ लोग उस सभी को इस समय उस जगह पर देख बोल रहा था, हाँ यह सब क्या है, वह सारे भिखारी यहां पर क्या कर रहे हैं। इस सिचुएशन को देख मुझे लगता है कि ओजो माउंटेन के सहित ताइवान के सभी ब्रांच ऑफिसों ने वार्निंग जारी की है। शायद इसी कारण से ग्योबैंक के सभी डिसेबल और गार्डियन सारे एस्केपिंग रूट को गार्ड कर रहे हैं। उसी समय एक भिखारी बोलता है, एजो यह खतरनाक है, तुम्हें खुद को इसमें शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। एजो बताता है, अंकल लीजुअल की डेथ अनफेयर तरीके से हुई है, मैं बिना कुछ किए कैसे बैठ सकता हूँ, मैं सीधे तौर पर फाइट तो नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज मुझे इस सर्चिंग में भाग लेने से मत रोकिए। उसी वक्त उन सभी को पंखुड़ियों के साथ एक बड़ी जोरदार साउंड सुनाई देती है, जिसे देख वह सभी उस ओर देखते हुए बोलते हैं, वह क्या था, मुझे यकीन है कि वह जगह ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप से रिलेटेड है। लेकिन तभी अचानक अपनी ओर आते हुए घोड़े के पैरों को साउंड सुनकर एजो हैरान होते हुए बोलता है, यह साउंड कैसी है। उसी पल उस सभी को आवाज आती है, साइड हट जाओ, मैंने कहा साइड हट जाओ। हम देख पाते हैं योम साइक उन सभी के ऊपर से घोड़े को ले जाते हुए बोलता है, मैंने कहा साइड हट जाओ, तुम भिखारी कमीने मेरे रास्ते से हट जाओ। योम साइक को ऐसे आते हुए देख एजो बोलता है, यह हरामी तो योम साइक है, वह योम साइक जो अंकल ली ग्योर के मौत का कारण बना, वह भाग रहा है। योम साइक आगे जाते हुए बोलता है, धत तेरी की, मैं जहाँ भी जाता हूँ यह भिखारी दिखाई देते हैं। पीछे से एक भिखारी योम साइक को इतनी तेजी से भागता हुआ देख बोलता है, योम साइक भाग रहा है, हम उसे खो नहीं सकते, सभी लोग उसकी जल्दी से पीछा करो। वापस ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप को देखते हैं, जहाँ पर डेविल शॉट उस धुएं से बाहर निकल कर अभी भी जोर जोर से हंस रहा था। फिर वह बोलता है, अब तुम क्या करने वाले हो, मास्टर ट्रेडर जिन रूसु गार्डियन वॉरियर जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था वह मर चुका है। जिन रूसु भी उस गार्डियन वॉरियर की ओर देखते हुए बोलता है, म्यूंग ही, डेविल शॉट दोबारा बोलता है, डैन मॉक्सोंग और मुझे तुम भी बताओ, अब तुम भी क्या करने वाली हो, तुम्हें भी बचाने वाले दोनों प्रोटेक्टर मर चुके हैं, अब तुम अकेले क्या करने वाली हो। सोंगयन उन दोनों डिसेबलों की ओर देखते हुए अपनी दर्द भरी आवाज में बोलती है, जोंगिन मोहो, डेविल शॉट फिर से इविल स्माइल के साथ बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुमने मेरे रास्ते में आकर जो पाप किया है मैं उसके लिए तुम सभी से अपने जीवन से भुगतान कराऊंगा। पहले इनकॉम्पिटेंट लोगों के द्वारा बनाई गई ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप, जिसके बाद उन्होंने बुरे कर्म किए हैं और संपत्ति को लूटा है। दूसरा डेनमार्क सोंगयन, तुम और माउंट हुआ सेट के इन गॉर्जियो के लोगों के द्वारा प्राप्त की गई अपार संपत्ति की लाभ उठाई है और साथ ही उन अपार संपत्ति को खुद के लिए भी प्राप्त की है। इन दोनों कारणों से आज मैं ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और साथ ही तुम्हारा गला भी काट दूंगा। सोंगयन अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलती है, बकवास करना बंद करो, कब तक तुम इन बकवासों का इस्तेमाल माउंट हुआ सेक्ट को इंसल्ट करने के लिए करते रहोगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं अब तुम्हारा गला काट दूंगी और जस्टिक को प्रोटेक्ट करूंगी। वह अंतिम बार अपनी पूरी पावर लगाकर एक अटैक करती है, पर डेविल शॉट बड़ी ही आसानी से उसे अपने स्वर के साथ पीछे फेंकते हुए बोलता है, तुम अपने एक जस्टिक क्यूआई के साथ इसे झांसा देने की कोशिश कर रही हो। हम देख पाते हैं सोंगयन के फेंके जाने के बाद उसके पास जो बटरफ्लाई होता है वह बाहर निकल के गिर जाता है। उसी समय डेविल शॉट उसके पास आते हुए बोलता है, इंसल्ट, क्या तुमने पहले कहा इंसल्ट, तुमको क्या लगता है कि किसने इंसल्ट किया है, तुम ठीक से मेरा मुकाबला भी नहीं कर सकते और ना ही तुम मुझे अपने स्किल के साथ रोक सकती हो, पर क्या तुम अब भी मेरे शब्दों को बकवास कह रही हो, क्या तुम्हें जस्टिक की पावर नहीं मिला है, पर सत्ता के बिना दिए जाने वाला न्याय सिर्फ एक हट के अलावा और कुछ भी नहीं है, अगर तुम इसे नहीं समझ पाती हो तो फिर मर जाओ, तुम्हें मरना ही होगा। सोंगयन को हम देख पाते हैं जो कि अपनी पूरी पावर एग्जॉस्ट हो जाने के कारण बेवश होकर डेविल शॉट की सारी बातों को सुन रही थी। डेविल शॉट उसकी ओर एक तिरछी नजर से देखने के बाद बोलता है, अरे बाप रे, और फिर वह जिन डूसु की ओर पलट कर देखते हुए उससे बोलता है, मैं इस लड़की को कभी भी मार सकता हूँ तो मैं इसे बाद में करूंगा, लेकिन जिन डूसु मुझे तुम बताओ तुम्हारे पास जिंदा रहने का कोई कारण है, बास्टर्ड। जनरल मैनेजर भी उससे बोलता है, मास्टर आपको इस जगह को अभी छोड़ देना चाहिए। जिन डूसु बोलता है, यह बकवास है, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता और अकेला तो कभी नहीं भागूंगा। उसी समय डेविल शॉट उसके पास आते हुए बोलता है, क्या एक भी कारण नहीं है, तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए कोई भी कारण नहीं बचा। सोंगयन भी पीछे से उसे जिन डूसु को ओर जाते हुए देख बोलती है, कांगवाई रुक जाओ, लेकिन डेविल शॉट बिना रुके उसकी ओर जाते हुए बोलता है, जिन डूसु मुझे तुम बताओ मेरे पास क्या कारण होना चाहिए जो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। जिसे सुन जनरल मैनेजर जिन डूसु के आगे आते हुए डेविल शॉट से बोलता है, वह एक कारण है जो भविष्य में महान चीजों को पूरा करने के लिए वह यंग लेडी की मदद करेगा। तुम कांगवाई एक बेकार सी एग्जिस्टेंस, तुम्हारे जैसे की हिम्मत कैसे हुई उसे लापरवाही से छूने की। डेविल शॉट उसकी ऐसी हरकत देख बोलता है, अरे बाप रे, अब यह क्या है। जिन डूसु उसे अपने आगे देख बोलता है, जोंग बोंग तुम क्या कर रहे हो, अब मेरे आगे से हट भी जाओ। जिसे सुन
जनरल मैनेजर बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई वादा निभाने में सक्षम नहीं होना आपको बोझ देता है तो मैं इसे अपने जीवन के लिए बदल दूंगा। आपको भविष्य के बारे में सोचना होगा। यंग लेडी को निश्चित रूप से आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। डेविलसन उसे आगे से न हटता हुआ देख बोलता है, तुम दोनों का रिलेशनशिप काफी ही देखने से अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, फिर मैं तुम दोनों को एक ही बार में मार डालूंगा। उसी समय योंगसैक पीछे से चिल्लाते हुए आते हुए बोलता है, कांग भाई तुम्हें इस प्लेस को तुरंत ही छोड़ना होगा, अभी तुरंत इस प्लेस को छोड़कर चलो। जिसे सुन डेविल सर उसी ओर देखते हुए बोलता है, योंगसैक तुम अचानक क्या बोल रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं जिन डूसू का सर काट दूं? मैं ऐसा ही करने वाला था। योंगसैक दोबारा बोलता है, अभी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। रेड वाटर बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, साथ ही मार्वेलिया सारे नार्चर उसे ब्लॉक कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि वह अब तक हार मान चुका होगा। वैसे भी यह हमारे लिए पीछे हटने का समय है। उसी समय डेविल सर एक और देखते हुए बोलता है, नहीं हमें पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी है, वह हरामी यहाँ आ चुका है। जिसे सुन योंगसैक भी घबराते हुए उस ओर देखने के बाद बोलता है, क्या कोई रास्ता नहीं है? वह पहले से ही यहाँ आ चुका है। उस दिशा की ओर देखते हैं जहाँ पर कोई और नहीं, डैन उस डिस्ट्रॉय हो चुके जगह पर आकर खड़ा था। डैन को इतनी जल्दी वहाँ देख, योंगसैक डर के मारे नीचे गिरते हुए बोलता है, मैं इम्पॉसिबल, यह नामुमकिन है। वह इतनी दूरी को पहले ही कवर कैसे कर सकता है? इसका मतलब है कि मार्वेलिया सायरन आर्चर पहले ही, और रेड वाटर बिल्डिंग। वह अपनी ऐसी ही आधी टूटी फूटी आवाज में बड़बड़ा रहा था डैन को देखते हुए। लेकिन हम डैन को देख पाते हैं जो कि ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप की जगह पर मर चुके सारे लोगों की ओर देखते हुए बोल रहा था, अरे बाप रे, माउंट हुआ के दोनों डिसेबल, क्या मुझे यहाँ आने में बहुत देर हो गई? उसी समय उसकी नजर एक जगह जाती है जहाँ पर बटरफ्लाई सोंगयोन से गिर गई थी। वह कहता है, वह क्या है? जिसके बाद वह उस जगह से छलांग मारते हुए सोंगयोन के आगे खड़ा होती है। तो सोंगयोन उसे देखते हुए बोलती है, तुम पर डैन उसकी बातों पर ना ध्यान देकर आगे बढ़ते हुए उस बटरफ्लाई को उठाने के बाद उसे काफी ही ज्यादा गौर से देखते हुए एक स्माइल देता है। और फिर वह उस बटरफ्लाई के नीचे लगे हुए नाम को देखता है, जिसके बाद वह एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। फिर वह आगे बढ़कर उस बटरफ्लाई को सोंगयोन को देते हुए बोलता है, यह बटरफ्लाई तुम्हारा है, मैंने ठीक कहा ना? फिर वह अपने कपड़े को उतारते हुए उसे पहनाने के बाद बोलता है, मुझे यकीन है कि तुम पहले से ही जानते थे कि कांग भाई तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है, पर तुम यह जानते हुए भी बहुत ही ज्यादा केयरलेस थी। जिसे सुन सोंगयोन बोलती है, आपको ऐसी बात किसी से नहीं कहनी चाहिए जो अपनी जान की बाजी लगा दी हो, पर इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। डैन बोलता है, रखने के लिए इस ऑर्नमेंट के ऑनर के साथ आपका वादा आपके लाइफ के अनुरूप है। दाने इसका बोलने का क्या मतलब था, लेकिन देख रहे हो भाई रोमांटिक हो रहा है। सोंगयोन थोड़ा ब्लशिंग करते हुए बोलती है, वेल, इसके अलावा वह कुछ नहीं बोल पाती। डैन सोंगयोन का ध्यान रखने के बाद उस जगह से खड़ा होते हुए बोलता है, प्लीज तुम यहाँ आराम करो, मैं कांगवाई का ध्यान रख लूंगा। सोंगयोन थोड़ा घबराते हुए बोलती है, आप अकेले उसका सामना कैसे कर सकते हैं? डैन जवाब देते हुए बोलता है, सोहो का मर्चेंट ग्रुप, कांगवाई को इस गलती के लिए उसकी लाइफ से भुगतान करना होगा।